दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने टेक्निकल चैनल एनएस टेक्निकल में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित टॉपिक्स के ऊपर वीडियो इस चैनल में लेके आते हैं। तो हमारी जो सीरीज चल रही है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो ये इस वीडियो का क्या है, पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है, इस गेज का क्या उपयोग है। ठीक है, आपको एक ठीक है डायग्राम दर्शाया गया है, तो आपको इसमें क्या बताना है कि इस गेज का इसका क्या उपयोग है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को नापना, बी है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना, सी है जॉब की ऊंचाई और समांतरता की जांच करना, और डी है जॉब को मशीनों में डेटम के समांतर रखना। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस जो चित्र में दिखाया गया है उस टूल्स का क्या नाम है ये बताइए। ठीक है, नाम क्या है ना, सबसे पहले तो इसका नाम पता होना चाहिए। तो ये जो चित्र में दिखाया गया टूल्स है उसका क्या नाम है, उसका नाम है फिलर गेज। क्या नाम है, फिलर गेज। ठीक है, और इसका जो काम है वो क्या है, आपकी जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जांच करने के लिए, किसी भी जॉब की आंतरिक त्रिज्या की माप करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, आपका ए नंबर का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रेटी का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक फाइल बनी हुई है, ठीक है, जिसमें एक फाइल बनी हुई है और उस फाइल का क्या नाम है आपको बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है रेक्स कट, दूसरा है सिंगल कट, तीसरा है डबल कट, चौथा है वर्गाकार रीति। इस फाइल में क्या है, इस टाइप से आपके डॉट डॉट उभरे हुए रहते हैं। ठीक है, डॉट डॉट उभरे हुए रहते हैं, तो आपको ये नाम बताना है। तो ये क्या है आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका रॉक्स कट। इस फाइल का क्या नाम है आपका, रॉक्स कट, है ना। इस फाइल में क्या होते हैं, ये आपको दिख ही रहा है ऐसे ऐसे डॉट डॉट, ठीक है, त्रिभुजाकार उभरे हुए रहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस औजार का क्या नाम है। आपको डायग्राम में एक दिखाया गया है औजार, उस औजार का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला है डिवाइडर, दूसरा है आंतरिक कैलिपर, तीसरा है विषम लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, है ना, और चौथा है आउट आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, चित्र में दिखाए गए टूल का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो इसमें जो चित्र है आपको अगर स्पष्ट दिख रहा है या फिर इसको जूम करके देखते हैं अपन, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है ना, जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों उसकी अंदर की तरफ नहीं है, उसकी दोनों लेग्स बाहर की तरफ हैं। जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें क्या है, उसकी लेग्स क्या है, दोनों एस टाइप से है। ठीक है, ऐसी बाहर की तरफ है। तो ये क्या है आपका, कौन सा कैलिपर है ना। तो ये आपका कौन सा कैलिपर कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका आंतरिक, ठीक है, इनसाइड कैलिपर, क्योंकि इसके द्वारा क्या किया जाता है, अपन आंतरिक त्रिज्या को मापते हैं। ठीक है, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक त्रिज्या को मापा जाता है या आंतरिक व्यास को मापा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष क्या है। ठीक है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, गलत सीजनिंग, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग जो दोष होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, बी नंबर का, असमान सिकुड़न को क्या बोला जाता है आपका, ट्विस्टिंग दोष कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटराइज छेनी का उपयोग है, मोटराइज छेनी का क्या उपयोग है, मतलब जो मोटराइज सीजल है
उसका आपको क्या बताना है, उपयोग बताना है। आपके ऑप्शंस हैं लकड़ी में सामान्य छेदनीकरण करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। जो मोटराइज छेनी होती है उसका आपको उपयोग बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए हम क्या करते हैं, मोटराइज छेनी का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, मोटराइज छेनी का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं वर्गाकार स्टेक, हैचेस्ट स्टेक, ब्लू हॉर्न स्टेक, बेवल एज वर्गाकार स्टेक। ठीक है, आपको बताना है कि किस प्रकार के स्टेज का आप उपयोग करते हो शीट मेटल शॉप में। तो शीट मेटल शॉप या शीट मेटल में के लिए हम हैचेट स्टेक का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ठंडी चैनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। किस प्रकार की चैनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गीकार करने हेतु किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, आप ऑप्शन देख लीजिए। पहला है जाली छेनी, दूसरा है क्रॉस कट छेनी, तीसरा है हाफ राउंड छेनी और चौथा है डायमंड पॉइंट छेनी। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, डायमंड छेनी का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समान तर रेखा खींचने में होता है। आपके ऑप्शंस हैं आंतरिक कैलिपर, जेनी कैलिपर, वाह कैलिपर या स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। ठीक है, आपको बताना है कि किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बी नंबर का, जेनी कैलिपर। ठीक है, क्या नाम है, जेनी कैलिपर। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम, ठीक है, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है जेनी कैलिपर का, ऑड लेग, ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर भी बोला जाता है जेनी कैलिपर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। आपको एक डायग्राम में ड्रिल बिट दिखाई गई है, इस ड्रिल बिट का आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर सैंक बिट, काउंटर सिंक बिट और स्ट्रेट सैंक बिट, आपको इसका नाम बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या आपका, बी नंबर का, टेपर सैंक बिट। ठीक है, टेपर सैंक बिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है, शीट मेटल में समान उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। शीट मेटल में समान उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, पहला है वर्गाकार स्टेक, दूसरा है हैच स्टेक स्टेक, तीसरा है ब्लो हॉर्न स्टेक, चौथा है बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैच स्टेक, इसके का अपन शीट मेटल शॉप में उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक फाइन ग्रेड M12 × 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। ठीक है, 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। आपके ऑप्शन है पहला है थ्रेड का व्यास, दूसरा है थ्रेड की पिच, तीसरा है थ्रेड की गहराई और चौथा है थ्रेड की लंबाई। जो हम किसी भी बोल्ट होता है उसका जो नंबर लिखते हैं ना, M12 × 1.25, तो इसमें जो 1.25 है वह किसको इंगित, मतलब किसको दर्शाता है। ठीक है, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित करता है आपके पिच के ट्रेड को। ठीक है, ट्रेड की जो पिच होती है उसको प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, बी नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट में, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगनों के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। पहला, दूसरा है कपिंग,
तीसरा है चटकना, चौथा है घुमाना। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आपको सही आंसर है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, गांठ। ठीक है, लकड़ियों में गांठ का पड़ना क्या कहलाता है आपका, इस दोष को उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेना नारी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार की रेती का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपके पास में एक टेनन सा है, उसको अगर धार लगानी है तो आप किस प्रकार की रेती मतलब फाइल का उपयोग करेंगे। ठीक है, किस प्रकार की फाइल का उपयोग करेंगे, तो आपके ऑप्शन है वर्गाकार फाइल, राउंड फाइल, त्रिभुजाकार फाइल और हाफ राउंड फाइल। ठीक है, आपको बताना है कि इस किस किस प्रकार की रेती का उपयोग आप या फाइल का उपयोग आप धार लगाने में करेंगे। तो धार लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगुलर फाइल यानी त्रिभुजाकार आकृति वाली जो फाइल होती है उसका उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, सी नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंगित रेती के भाग का नाम बताना है। ठीक है, आपको एक क्या दिया गया है, फाइल का डायग्राम दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इस फाइल में एक्स के द्वारा ये वाला जो भाग है, एक्स के द्वारा जो प्रदर्शित है उस भाग का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है एज, हील, टैंग, शोल्डर। एज, हिंग, टैंग, शोल्डर। ठीक है, आपको नाम बताना है भागों के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका हील। क्या है, हील। एक्स के द्वारा प्रदर्शित भाग का नाम क्या है, हील है। ठीक है, जैसे हैंडल हो गया आपका, ठीक है, हैंडल हो गया, ये क्या हो गया आपका, टिप हो गया, टिप या पॉइंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो कॉर्नर है ये क्या कहलाते हैं आपके, एज। ठीक है, एज कहलाते हैं। ये वाला जो भाग है, ये वाला और ये कि ये वाला, ये कहलाता है आपका शोल्डर। क्या कहलाता है, शोल्डर कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, हील। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस औजार का क्या नाम है। आपको चित्र में प्रदर्शित ठीक है टूल्स का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, बाह कैलिपर, फर्म जोड़ कैलिपर। ठीक है, फर्म जॉइंट कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। तो आपको जो डायग्राम में प्रदर्शित है उस टूल्स का नाम बताना है। ठीक है, तो उस टूल का क्या नाम है आपका, जेनी कैलिपर। अभी इसके पहले इसका नाम बताया था क्या, आउटलेग कैलिपर। ठीक है, आउटलेग कैलिपर भी बोला जाता है जेनी कैलिपर को। इसका उपयोग हम समांतर रेखा खींचने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छेनी में एक्स, ठीक है, ये चीजल दिखाई गई है, इसमें एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम बताना है। आपको इस कोण का क्या करना है, नाम बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है रेक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लीयरेंस एंगल और झुकाव एंगल। ठीक है, आपको नाम बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये क्या कहलाएगा आपका, पॉइंट। ठीक है, ये एंगल जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पॉइंट एंगल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्मर छेनी का क्या उपयोग है। ठीक है, फर्मर यानी फाइमर छेनी है, उसका उपयोग बताना है आपको। आपके ऑप्शन है छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग करने के लिए, सामान्य छेनीकरण करने के लिए, लकड़ी में आयताकार छेदन तथा तेज किनारों की सफाई करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए। ठीक है, सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का अर्ध लेप लेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत में कुछ दूरी से मिलता है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं एंड लैप जोड़, दूसरा है क्रॉस लैप जोड़, तीसरा है मध्य लैप जोड़, चौथा है कोना अर्ध लेप जोड़। ठीक है, आपको इसका नाम बताना है। तो ये क्या है आपका, मिडिल लैप जॉइंट, मिडिल लैप जॉइंट इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं, पहला है बी नोच, दूसरा है तिरछा नोच, तीसरा है वर्गाकार नोच और चौथा है सीधा नोच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, बी आकृति वाला नोच जो है
उसका उपयोग हम क्या करते हैं, धातु ट्रे बनाने में करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल कार में हैम फोल्डिंग क्या क्या उद्देश्य है? ठीक है, हैम फोल्डिंग का आपको उद्देश्य बताना है। आपके ऑप्शन हैं, वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, बी है सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, सी है काटने के बाद खुरदुरे किनारे बनाने के लिए से रोकता है, और डी है सीट मेटल की क्षति से बचाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, डी नंबर का। ठीक है, सीट को क्षति से बचाने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? ठीक है, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को क्या करता है, कम करता है। आपके ऑप्शन है, पहला घुमाना, दूसरा कपिंग, तीसरा चटकना और चौथा अनियमितता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, डी नंबर का। अनियमितता धातु को क्या करता है, उसकी पावर को कम करता है। अगला क्वेश्चन है, इस हथौड़े का नाम, चित्र में एक प्रदर्शित हैमर है उसका क्या बताना है आपको, नाम बताना है। आपके ऑप्शन है क्ला हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। तो आप सभी को मालूम है, आपको दिख ही रहा है कि किस प्रकार के हैमर है, ये है आपका क्ला हैमर। क्ला हैमर का उपयोग क्या करते हैं अपन, दीवार वगैरह में से, ठीक है, दीवारों से कीले निकालने के लिए करते हैं, कीले निकालने के लिए। ठीक है, दीवारों में से कीले निकालने के लिए इसका क्ला हैमर का उपयोग करते हैं। अगला है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में किस प्रकार के दोष उत्पन्न होता है? तो आपका सही आंसर क्या है आपका, कपिंग। कपिंग दोष उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का है जूट, दूसरा है फुल फॉर्म थ्रेड, तीसरा है तिरछी मेल थ्रेड और चौथा है समांतर फीमेल थ्रेड। ठीक है, इसका नाम आपको नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर फुल फॉर्म थ्रेड है। क्या है, फुल फॉर्म थ्रेड। ठीक है, बी नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट के किनारों, सीट के सिरों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? ठीक है, सीट के किनारों को मोड़ने के किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है बी नॉच, तिरछा नॉच, वर्गाकार नॉच और सीधा नॉच। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, डी नंबर का, स्ट्रेट नॉच का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है की बेज काटने में, वर्गाकार नालियां काटने के लिए, सामग्री को कोनों पर चौकोर करने के लिए, बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ए नंबर का, की बेज काटने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस कट छेनी का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 डिग्री मोड़ने हैं तो किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है? ठीक है, 90 डिग्री में मोड़ने हैं तो किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं बी नोच, तिरछा नोच, वर्गाकार नोच, सीधा नोच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी नोच का उपयोग धातु को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार के वर्ग कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? ठीक है, आपके ऑप्शन है कंपास आरी, की होल आरी, कोपिंग आरी, फ्रेट आरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, कंपास आरी का उपयोग किया जाएगा। अगला है, सीट मेटल कार के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है? ठीक है, एक डायग्राम दिखाया गया आपको, इस डायग्राम में आपको बताना है इसका नाम। ठीक है, आपके ऑप्शन है वर्गाकार स्टेक, हैच स्टेक, स्टेक ब्लो हॉर्न स्टेक, बेवल एच वर्गाकार स्टेक। तो इसका नाम आपको बताना है चित्र में प्रदर्शित। तो इसका नाम क्या है आपका, ब्लो हॉर्न स्टेक। ठीक है, इसका नाम क्या है, ब्लो हॉर्न स्टेक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औजार का क्या नाम है? आपको चित्र में एक हैमर प्रदर्शित है, ठीक है, क्या है हैमर, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं क्ला हैमर, टैक्स हथौड़ा, ठीक है,
उसके बाद में क्रॉस पिन हैमर और चौथा है स्ट्रेट पिन हैमर। तो आपको इसका नाम बताना है कि किस प्रकार का हैमर है। तो ये क्या है आपका टैक हैमर, क्या है टैक हैमर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हैं तो किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हैं तो किस प्रकार के छेनी का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला है फ्लेट चीजल, दूसरा है बेप चीजल, तीसरा है क्रॉस कट चीजल, चौथा है डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, बेप चीजल। ठीक है, बेप चीजल का उपयोग किया जाता है। अगला है, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने। स्टेक स्टेक, ब्लोहॉर्न स्टेक और बेवल एज स्टेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, सी नंबर का, ब्लोहॉर्न स्टेक का उपयोग किया जाएगा। अगला है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। आपके ऑप्शन है, दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, शाखाओं में वृद्धि, गलत सीजनिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, शाखाओं में वृद्धि के कारण क्या हो जाती है आपकी लकड़ी में गांठ पड़ जाती है। तो यह क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। ठीक है, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए।